ग्रेट इवनिंग दोस्तों, आज के इस इवनिंग में आज के इस शाम का आपका दोस्त, आज का होस्ट जामे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं मेरी जानकारी देता हूँ। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में आईटी फील्ड में एज असिस्टेंट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ, और जब ये मौका मेरे जिंदगी में आया था तब अच्छी खासी सैलरी में ले रहा था, और इस मौके में मुझे ऐसा कुछ लगा कि मेरी जिंदगी बदलने का एक अच्छा मौका था, इसलिए मैंने इस आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा है। इसके सबसे पहले मैं मेरी जानकारी देता हूँ। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में आईटी फील्ड में एज असिस्टेंट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ, और जब ये मौका मेरे जिंदगी में आया था तब अच्छी खासी सैलरी में ले रहा था, और इस मौके में हेलो सर, वॉइस डबल लेता है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जब ये मौका मैंने देखा था, मैं एक लॉजिस्टिक फील्ड में आईटी फील्ड में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था, और जो उस वक्त एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आया, और इस अपॉर्चुनिटी में मैंने ऐसा कुछ देखा कि जिससे मुझे लगा कि मेरी जो जिंदगी है वो इससे भी और बेहतरीन तरीके से जी जा सकती है, अच्छी हो सकती है, इसलिए मैंने इस मौके में काम करना चालू कर दिया। और मैंने ये मौके में मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ मनीषा जामे, जो आज जो भी जॉब करती है लेकिन वो भी मेरे साथ काम कर रही है। तो इस मौके में जब हम काम करते हैं दो, तो यहाँ पे 1 और 1 2 नहीं होता है, तो 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 11 की पावर यहाँ पे हमें मिलती है, और उस पावर के साथ हम यहाँ पे काम करते हैं। तो आज यहाँ पे हम जो मिले हैं वो बुक रिव्यू करने के लिए आए हुए हैं, और इस बुक रिव्यू का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है इस मार्केटिंग में, इस फील्ड में, उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए आज एक डायनेमिक डैशिंग लेडी अपने यहाँ पे आने वाली है, जिन्होंने अपने कीमती समय से अपना कुछ कीमती समय अपने इस सारे टीम के लिए निकाला हुआ है, और आज उनके इस कीमती समय में वो हमें इस बुक रिव्यू का अपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में हमें कितना महत्व है और उसका कितना एहसास, यानी हमें चाहिए आगे लाइफ हमारी बेटर करने के लिए कितनी सपोर्ट करने वाली है, वो सब हमें बताने वाली है। तो ऐसे यंग डायनेमिक डैशिंग लेडी जिन्होंने पिछले जो उनका मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा, वो पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्रीज में है। इन्होंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है, और जब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आई थी उस वक्त तो एज अ मॉलिक्यूलर डिजाइनर करके काम करती थी, उन्होंने एज अ प्रोफेसर करके भी काम किया हुआ है, यानी इतनी उनकी लाइफ जो थी वो बढ़िया चल रही थी, और इस बढ़िया लाइफ को और बेहतरीन करने के लिए ये जब उन्होंने मौका अपने लाइफ में देखा, तो ये लाइफ में मौका देखा ही नहीं तो इसमें काम करना शुरू कर दिया, और इस काम करते करते आज वो पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री में है, और इस 13 साल में उन्होंने अपना लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ तो बना दी है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे जैसे हजारों लोगों की उन्होंने आज जिंदगी सक्सेसफुल बनाई है। तो ऐसे यंग डायनेमिक डैशिंग लेडी को आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों के जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा जूम स्क्रीन पे। सो प्लीज वेलकम टू इनवाइट अमृता करमेकर मैम ऑन जूम स्क्रीन। जबरदस्त, संतोष जी एकदम जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया। आज ही हम दोपहर को बात कर रहे थे और मैंने बोला आपसे होस्टिंग सुनना है, और आज इमीडिएट आपने उसको दिखा दिया कि आप कितना होस्टिंग कर सकते। थैंक यू मैम। और प्रभात सर से भी मेरा बात हुआ था, आपका आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है बहुत। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी देख, अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ आप वाईफाई पे हो कि डेटा पे हो? मैं वाईफाई पे, डेटा है ही नहीं इस मोबाइल को, ये मेरा मोबाइल नहीं है, दूसरा मोबाइल है मेरे मोबाइल में। ओके ओके ओके, ठीक है। तो दैट इज द टेक्निकल इशू फॉर मी, इट्स ओके। सो ग्रेट इवनिंग, जैसा संतोष जी ने बताया मेरी बैकग्राउंड बता दी, मैंने देखा था बिजनेस बहुत अच्छा लगा था, मैंने इमीडिएट चालू किया था,
और ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का है, मैं बोलती हूँ नए लोगों को बेसिकली कि ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का है, और मेरे जिंदगी में जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ऐसे मेरे मेंटर प्रभात सर को ऑलवेज थैंक यू कहती हूँ। वो अगर नहीं होते तो आज जितना भी मैं सीख रही हूँ बिजनेस है, या आज तक जितना नॉलेज होने वाला है, वो उनके विदाउट पॉसिबल ही नहीं था अगर वो नहीं आते थे और ये मौका नहीं आता था। तो थैंक यू सर। और आज हम बुक रिव्यू के लिए मिले हैं, और ये भी सोच प्रभात सर की ही है कि बुक रिव्यू जैसे हम पेस में करते थे, अब और ज्यादा हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सारी पेस एक साथ ही हो रही है, तो कनेक्शन अच्छा हो रहा है और ऐसा लगता है कि 1-to-1 ही बात कर रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो बुक रिव्यू और अभी तक जितने लोग कंसिस्टेंटली, मैं कुछ कुछ नाम देख रही हूँ मेरे टीम से या बाकी टीम से भी, जो कंसिस्टेंटली बुक रिव्यू को है जब से ये बुक चालू हुआ है, तो एक माइंडसेट बनता है। तो मैं हमेशा आपको बोलूं, जुड़ रहे उनको भी यहाँ पे लाया कीजिए। तो एक मास्टरमाइंड अलायंस जिसको हम बोलते हैं, एक सोच से हम चालू करेंगे, क्योंकि नॉलेज ले रहे हैं तो एक ही सोच से एक ही दिशा में हम 31/12/2020 यहाँ पे बैठा हर एक शख्स के घर पे माय लाइफ से कंटिन्यूअस हर हफ्ता 2,10,000 आ रहा है। तो उसके लिए हम एक दिशा से एक सोच से काम कर रहे हैं, और जो बोलते हैं ना हम फोकस एकदम ट्यून कर रहे हैं, और इसमें ये जो बुक्स है वो सबसे बड़ा काम करेगा। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि स्क्रीन नहीं, मतलब मैंने इंग्लिश, मैं मराठी पढ़ती हूँ, तो स्क्रीन अगर नहीं चलेगा तो भी चलेगा, स्क्रीन अगर नहीं है तो। हेलो सर, शेयरिंग निकाल दूं मैं? हाँ सर प्लीज, क्योंकि मैं नहीं दिख रही हूँ फिर मोबाइल पे, मुझे स्क्रीन ही दिखता है। हाँ थैंक यू सर। तो ये बुक रिव्यू हमें, बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जिन्होंने भी आज तक अभी बुक रिव्यू किया है वो सबने बुक के बारे में बात की है, लेकिन स्पेशली जो नए आए हैं, ये बिजनेस में वाई जो होता है, आप क्यों करोगे बिजनेस, वो 98% होता है, और 2% होता है वो हाउ होता है, कैसे करना है। और हाउ के लिए हमारा बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो 9 core steps हम सिखाते हैं। आप ट्रेनिंग में आओगे तो आप जरूर जानोगे। तो वो 9 core steps में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, उसमें सबसे सेल्फ डेवलपमेंट हम जो बोलते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुक्स पढ़ना, रोज डेली बुक्स पढ़ना। तो नए लोग हैं, अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे शुरुआत में नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैंने वो आदत डाल दी, क्योंकि जो हम अच्छा नहीं लगता वो हम करेंगे तो जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा। तो बुक पढ़ना, और ये बुक तो इतना आसान है, इतना छोटू सा है, तो इसको फिर देखोगे तो इतना छोटा। आज तक हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मैंने तो कितना हम छोटा तो मैडम बेटा, आपका आवाज बिल्कुल, माने आपका बैंडविड्थ है वो एकदम लो है, माने आपका नेटवर्क बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपका मेरा आवाज आवाज ये हो रहा है, ऐसा ड्रैग हो रहा है। एक ही मोबाइल है सर जिसपे मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे दूसरे मोबाइल से बात नहीं हो पा रहा का इशू है, मतलब जूम अपडेटेड वर्जन नहीं हो रहा है उसपे, अभी आ रहा है, मैं जोर से ही बात कर हाँ रही हूँ। नहीं जोर का सवाल नहीं है, वो नेटवर्क का इशू है, तो आपका आवाज ड्रैग हो रहा है। हाँ पर वो वाईफाई का फ्लक्चुएशन रहेगा शायद। ठीक है, ओके, हाँ अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सबको आ रहा है? यस मैडम, यस मैम आ रहे हैं, सबको आ रहा है ना, वेरी गुड। जो नए तेजस्विनी मैडम, आपको आ रहा है? हाँ हाँ ये तो है आवाज ना, ओके वेरी गुड। सो 48 पेज का ये बुक है, करीबन 47 इज द लास्ट पेज, तो एक छोटा सा बुक है, और जो नए लोग बहुत लकी हो कि पहला ही बुक आपको सबसे छोटा, उसमें से जो सबसे छोटा बुक है वो आपको मिला है 47 पेज का, तो आराम से पढ़ सकते हो आप। और इंडेक्स से ही चालू करेंगे हम, अभी तक जो सुना है आपने देखा है, तो एक बार मैं क्विक क्विकली विदिन अ 1 or 2 minutes में रिव्यू करती हूँ। मानवीय अंतर्दृष्टि जो ह्यूमन इंसाइट है, हम कैसे सीखते हैं और कैसे बाय करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। ये जब मैंने शुरुआत में पहली बार जब ये बुक पढ़ा था, तो मुझे आई वॉज सो सरप्राइज कि अभी तक ये मालूम ही नहीं था, हम लाइफ जी रहे हैं लेकिन उसमें से अभी हम शॉपिंग तो करते हैं, सीखते तो है, लेकिन ये परसेंटेज समझा तो बहुत मजा आया। और ये बिजनेस लोगों का है, हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो लोगों के
स्किल विद को जानने के लिए ये बुक आपको बहुत फायदा देगा, और उसमें से ये चीज है क्योंकि पहली चीज जो है ह्यूमन इनसाइट, इसमें से हम कैसे सीखते हैं और कैसे बाय करते हैं अभी हम किसी के सामने, तो वो इधर हमसे प्रोडक्ट लेगा या तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेगा, तो वो कैसे करता है ये हम सीखेंगे। अभी जो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वापस एक बार पढ़ना है, और जब तक वो अंदर नहीं जाता तब तक पढ़ना है, मतलब बार बार पढ़ना है, इसीलिए मैं पीछे से जा रही हूँ आगे। फिर दूसरा ह्यूमन इनसाइट है हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है जब हम प्लान दिखाते हैं या डेमो करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो कैसे उसको हम इंफॉर्मेशन देना है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो चाहिए मुझे, क्योंकि आप सुन के मुझे सीख सकते हो लेकिन देख के ज्यादा सीख सकते हो, तो मेरी एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज आपको दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इसमें लिखा है। फिर मानवीय अंतर्दृष्टि 3 कि आप कैसे याद रखते हो कोई भी चीज जब बोलते हो दिखाते हो और दोनों साथ में करते हो, तो ये टेबल है। फिर चैप्टर नंबर 1 चालू होता है मानवीय स्वभावाची समझ, माने ह्यूमन बी जो स्वभाव होता है वो कैसे होता है, क्योंकि हर एक को खुद में इंटरेस्ट होता है, और ये ना बहुत हमको ये थोड़ा मैं बोलती हूँ कि थॉट को बहुत थ्रेटनिंग होता है जब भी आप करोगे, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं मालूम था आज तक कि दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, या हम हमेशा खुद में ही इंटरेस्ट, हर एक जन को खुद से सबसे ज्यादा प्यार होता है, तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि कोई हमारे सामने आता है और जब भी बात करता है तो वो हमेशा मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं करता रहता है, तो हम बोर होते हैं, या हम उसको आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, मतलब EYEI नहीं आई स्पेशलिस्ट, तो ऐसे आई स्पेशलिस्ट लोग अच्छे नहीं लगते जो खुद के बारे में बात करते, लेकिन ऑन द सेम टाइम जब हम दूसरे से बात करते हैं तो उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको खुद में इंटरेस्ट होता है। तो ये पहला चैप्टर आपको बताएगा, डिटेल में आप पढ़ोगे तो। फिर लोक संवादाची कौशल्य, माने लोगों से जब भी बात करते हैं तो हम उनको कैसे बढ़ावा देना है, उनके बारे में उनके लाइफ में इंटरेस्ट लेके बात करेंगे तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा। फिर तीसरा चैप्टर है लोगों को इम्पोर्टेंस कैसे देना है, लोगों को कैसे इम्पोर्टेंस देना है, कौन कौन सी चीज आप ऐसे कर सकते हो, और अभी तक जिन्होंने रिव्यू किया है और प्रभात सर का स्पेशल हमको एक्सपीरियंस इसके साथ मिला है तो आपका ये पक्का ही हुआ होगा, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जस्ट एक मैं मेरे लिए एक सेट करने के लिए मैं बोल रही हूँ। फिर फोर्थ चैप्टर जो है वो सहमति से कौशल है, माने सहमत कैसे होना, एग्री कैसे होना, और ये ना मैं जब ये बुक रिव्यू रोज होता था तो जब भी मैं सर से बात करती थी तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि इतना जिस्ट निकाल के उन्होंने फिल्टर 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 करके एकदम कॉन्सेंट्रेटेड जो पार्ट है वो ये बुक में डाला है, तो कभी कभी क्या होता है ना बहुत हल्के माने कोई भी एक सेंटेंस हम बोलते हैं तो हल्के में चला जाता है, जैसे पहले चैप्टर में वो जब समझून सांगना जो 70% होता बोलत असताना काय सांगत आहे याची जाणीव, वो एक चीज सर ने करीबन आधा पौना घंटा लेके हम सबको, मतलब मैंने पूछा था और रोहित सर को और सब को समझने तक सर ने समझाया था, माने एक वो सेंटेंस अंदर जाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो एक आप जब ये पढ़ोगे ये तो ये सिर्फ एक सेंटेंस या एक वर्ड ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है, तो वो मीनिंग तक जाने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माने ये जो हमारे ऑथर है लेस उनको एग्जैक्टली हमसे क्या बोलना है, क्योंकि बुक का ये फायदा होता है कि हम ऑथर दिखाना है क्या बोलना है, वहां तक जाके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे पढ़ते पढ़ते अगर कोई चीज नहीं समझिए तो आप बुक रिव्यू में पढ़ सकते हैं, और हम बहुत लकी है कि प्रभात सर का इतना बड़ा एक्सपीरियंस वो हमारे साथ हमेशा शेयर करते हैं और हमको समझने तक पूरा समझाते हैं। जैसे मैंने उस दिन मुझे बिल्कुल ऐसा शर्म नहीं आई कि मैं एसटीसी हूँ और स्टारपल हूँ, अभी मैं कैसे पूछूं ये बात, ऐसा नहीं है, हमको कंसेप्ट समझना यही तो पर्पज है, और हमको अगर कोई इतना दिलो जान से सिखा रहा है तो कोई चीज नहीं समझी है, तो सीख के आगे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के आगे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ चैप्टर जो है श्रवण कौशल है, माने लिसन सुनना कैसे है, इसके ऊपर तो हम हमेशा बात करते हैं, और आज का जो चैप्टर है प्रभावित करने से कौशल्य, माने लोगों को प्रभावित कैसे करने का, और उसका एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल अभी हुआ, अभी जस्ट एग्जांपल जितने लोग दीपक बजाज सर के ट्रेनिंग में अभी रहेंगे वो जो चीज मैंने उनको आज तक बहुत बार सुना है, उनके कुछ वीडियो जो सर ने कभी रिकमेंड किए वो मैंने देखे है, तो आज तक वो चीज मैंने कभी शायद उन्होंने बोली होगी मैंने नोटिस नहीं की, या मुझे ऐसा लगता है मैंने पहली बार सुना। हाँ, उन्होंने बोला कि आप किसी को दुनिया में सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या दे सकते हो, ऐसा उन्होंने पूछा शुरुआत में ही, मतलब इमीडिएट इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम,
और उसका आई वॉज वेरी क्यूरियस कि अभी वो क्या पॉइंट बोल रहे, क्योंकि ट्रेनिंग से इसका क्या संबंध है, मैं वो सोचने लग गई कि वो कनेक्शन क्या कर रहे, कैसे कर रहे। तो उन्होंने बोले कि सबसे प्रेशियस गिफ्ट या सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट आप किसी को अगर दे सकते हो तो वो गिफ्ट है आपका अनडिवाइडेड अटेंशन। माने आपसे कोई अगर बात कर रहा है तो आप उसको अनडिवाइडेड अटेंशन कैसे दे, वो सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। और वो हम डे इन डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, हमको किसी से बात कर रहे हैं और किसी का ध्यान नहीं है, कोई मोबाइल में है, कोई आपका सुन नहीं रहा है, दूसरा काम कर रहे हैं। कभी कभी फोन पे भी मैं सर से बात करती हूँ और सर कुछ कर रहे हैं तो मुझे समझता है और मैं सर को बोलती हूँ नहीं नहीं आप मेरा ही सुनो, अभी दूसरा क्यों कर रहे हो। माने हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट अनडिवाइडेड अटेंशन। और आप, और उन्होंने बोला कि अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आपका आपका मेरी तरफ अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए और मैं आपकी तरफ अनडिवाइडेड अटेंशन देके बात करूंगा। मतलब पहले 5 ही मिनट में उन्होंने मुझे ऐसा प्रभावित किया, जो अभी का चैप्टर है प्रभावित करण्याचे कौशल्य। और उसमें फर्स्ट लाइन ही ऐसा है, आपल्याला जे लोकांकडून करून घ्यायचे आहे ते लोकांनी आपल्यासाठी करणे आणि ते त्यांच्या आवडीनुसार आवडीनुसार करवून घेणे ही यशस्वीतेची मोठी पायरी आहे। माने लोगोने जो हम लोगों को जो हमसे हमको जो लोगों से करवाना है और लोगों को जो हमारे लिए करना है वो उन्होंने उन चॉइस से करना चाहिए, माने उनके खुद की चाहत से करना चाहिए। वो बॉस जैसा नहीं होना चाहिए कि हम बॉस है हम बोल रहे तो वो बेचारा एम्प्लॉय है तो वो जबरदस्ती करेगा ही, क्योंकि हम उसके बॉस है तो वो उसके लाइकिंग से करे। अभी जो दीपक सर ने शुरुआत के 1 मिनट में ये चीज बोली तो मैंने उस इमीडिएट डिसीजन लिया कि अभी मैं अनडिवाइडेड अटेंशन से उनको सुनूंगी, क्योंकि उन्होंने जो ऐसा एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत इम्प्रेस। अभी उनका जो पर्पस था कि लोगों ने अनडिवाइडेड अटेंशन देके सुनना है, वो ऐसा भी बोल सकते पर उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता था जब उन्होंने ऐसे बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट आप अगर किसी को देना चाहते हो तो वो क्या दे हो सकता है, तो खुद का अनडिवाइडेड अटेंशन वो पर्सन के तरफ। वो एक सेंस में उन्होंने इतना इम्प्रेस किया कि पूरा मीटिंग में जगह से हिली नहीं, मैंने मोबाइल दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप देखा ना और कुछ देखा, मैं चुप लिख रही थी। लेकिन तो भी वो अगर वो सेंटेंस नहीं बोलते तो शायद मेरा जो अभी अटेंशन था उसमें थोड़ा कम हो सकता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इमीडिएट आप किसी से बात कर रहे हो तो इमीडिएट उसको कैसे प्रभावित करना, इम्प्रेस करना इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। सर इंग्लिश में वही वर्ड है ना, इंग्लिश में इसका क्या टाइटल है सर? मेरे पास इंग्लिश बुक भी है वैसे। कौन सा चैप्टर बोले आप? इन्फ्लुएंस पीपल ना, प्रभावित करना, हाउ टू स्किलफुली इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्किलफुली इन्फ्लुएंस, हाँ वही इन्फ्लुएंस किया। तो इन्फ्लुएंस किया तो ये बिजनेस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बिजनेस, क्योंकि हम इसका रिलेशन अपने बिजनेस से कर रहे हैं, सिंपल बात है। तो ये बिजनेस में जो भी आएंगे, जो टीम हमारी है वो हमारे एम्प्लॉय ही है या हम उसके बॉस नहीं है जो अपलाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल तेजस मैडम, आपने बिजनेस चालू किया, आप अभी किसी को लेके आओगे वो इमीडिएट जुड़ेगा, आपको 30,000 देगा, आपके टीम में आएगा, तो वो आपका बिजनेस एसोसिएट हो गया, आपका डाउनलाइन हो गया, आप उसके अपलाइन हो। अभी उसने जो करना चाहिए ऐसा आपको लगता है वो आप बोलेंगे तो मतलब हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी मैंने बोला तो उसने करना ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन तो कोई है नहीं। क्यों नहीं है कंपल्शन? क्योंकि हम उसके बॉस नहीं है, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, क्यों क्यों सुनेगा वो अपना? तो उधर ये स्किल बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये बिजनेस में कोई भी हमारा एम्प्लॉय नहीं है, तो हम उसको फियर दिखा के या अपना पोजिशन का फायदा लेके उसको हम काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये स्किल सीखेंगे कि उसको इन्फ्लुएंस कैसे करना है तो हमको जो ये वो करेगा, लेकिन वो करेगा खुद के लिए और खुद के लाइकिंग से करेगा, तो हमको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो ये स्किल है और वो स्किल को कैसे डेवलप करना है इसके ऊपर वो बुक का अभी का चैप्टर है कि किस इन्फ्लुएंस कैसे करने का। अभी इसका बिजनेस कैसे ताल्लुक होता है, जब किसी को मिले हो, जैसे गेस्ट को मिल रहे हो, फोन पे मिल रहे हो या फिर आप पर्सनली तो अभी मिल नहीं सकते हो, लेकिन कभी भी आप उससे बात कर रहे हो, अभी तो फोन पे ही या जूम पे आके आप उससे बात कर रहे हो, तो उसको 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 30 सेकंड में वो आपका दीवाना होना चाहिए, तो आगे की आप बात सुनने के लिए या आगे आप जो भी बोलोगे वो करने के लिए वो तैयार होना चाहिए। और उसका जीता जाता उदाहरण आप सारे लोग एग्री करेंगे वो है प्रभात सर। माने वो 1 सेकंड किसी से मिले बात करे, 1 मिनट मिले बात करे, या 1 घंटा मिले बात करे, या 1 बार ही मिले,
वो आदमी जिंदगी भर उनको कभी भी भूल नहीं सकता। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? आई होप अभी कोई ऑडियो वीडियो ऑफ करके नहीं बोलेगा, बट जितने भी यूट्यूब पे या मेरे साथ जूम पे वो एग्री करेंगे, दैट इज द स्किल विच ही है। मतलब यहाँ पे उन्होंने देखा है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें मैं डिटेल में वर्ड टू वर्ड यहाँ पे जाऊंगी नहीं, लेकिन उसको क्या चाहिए वो ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट। वो अगर हम ढूंढेंगे और वही उसको दिखाएंगे तो वो तो करेगा अपने लिए, लेकिन हमको जो चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा। मतलब बिजनेस में क्या है, अभी बिजनेस में वो आके काम करना चाहिए। समझो हम अभी कोई भी आएगा तो हमको क्या लगता है कि उसने काम करना चाहिए, उसने पैसा कमाना चाहिए, उसके सपने पूरे होने चाहिए और वो टिकना चाहिए। मतलब पहले तो जुड़ना चाहिए और जुड़ने के बाद काम करना चाहिए, दो ही पर्पज होते हैं हमारे ये बिजनेस में बंदा आने के बाद। या अगर हम इन्विटेशन दे रहे हैं तो उसने आना चाहिए प्लान देखने के लिए। सिंपल है, अब ये तीन पर्पज के ऊपर मैं बात करूंगी। तो उसको क्या चाहिए वो ढूंढो, और उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। परसों हम मनीषा जामड़े मैडम और मैं बात कर रहे थे, वो किसी को इनवाइट कर रहे थे उनके पुराने कलीग या ऑफिस थे जिनसे वो बात कर रहे थे, और उन्होंने बात किया और वो मुझे ऐसे बात कर रहे थे। मैंने उनको पूछा आपके गेस्ट कौन है, किससे बात? मैंने बोला पर वो अभी बोल रहे हैं मैं देखूंगा, उनका ऑफिस है, वो तो 7 बजे तक फ्री नहीं होते, तो देखूंगा कैसे करते। तो उन्होंने जो जो मुझे बातें बताई, मुझे ऐसा लगा कि रोल प्ले करना चाहिए। तो मैंने मनीषा मैडम को बोला, ठीक है आपने ऐसा ऐसा बोला ना, अच्छा बोला, अभी मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसा बोलती, या उसको और अच्छा कैसे करते हैं, तो आप सीखना चाहेंगे क्या? तो वो बोली हाँ मुझे बताओ। तो मैंने बोला चलो अभी रोल प्ले करते। तो मैं मनीषा और वो बंदा जो आशीष उनका जो कलीग या फ्रेंड है पुराना ऑफिस का, वो तो वो आप है, और चलो रोल प्ले करते हैं। और वो आशीष जी ने बात किया था जब भी मनीषा मैडम ने जब भी उनको फोन किया था, जनरली अभी हम इनविटेशन में क्या सिखाते हैं, किसी से भी बात करो तो हाय हेलो कैसे है, क्या चल रहा है, जॉब कैसे है, काम पे जा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है, ऐसे ही सवाल होते। तो उन्होंने ऐसे ही सब सवाल किए। अभी उन्होंने सवाल किए तो उसने क्या बोला कि मैं वर्क फ्रॉम ही कर रहा हूँ, देखो ना कितना प्रॉब्लम है, पहले तो 6 घंटा जॉब 8 घंटा होता था, यहाँ पे अभी वर्क फ्रॉम होम है तो 10 घंटा आराम से चला जाता है, तो एक्स्ट्रा काम करके ले रही है कंपनी, ये वो। मतलब ही वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड कि जो भी बात कर रहे थे। तो मैंने उसी पॉइंट को पकड़ा और फिर मैंने रोल प्ले में उनको बताया कि बोले, मतलब मनीषा मैडम ने वो रोल प्ले किया तो वो नहीं अच्छा लग रहा है। और फिर प्रभात ने हमको एक प्रिंसिपल सिखाया था कि फियर मतलब भीती ही तो मैंने फिर वो आशीष है नहीं, मतलब अभी तो हेलो आवाज परत थे जाला। हेलो तुमच्याकडे नेटवर्क नाही आहे का? बरोबर अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है लेकिन वो बीच में ड्रॅग होना। सर काय करत नाही, काय माहिती मला? आपका नेटवर्क बराबर है क्या? नेटवर्क बराबर है सर, पर मैंने रूम का दरवाजा बंद किया और मैं खोल के बात नहीं कर सकती, बाहर बहुत डिस्टर्बेंस है। तो आ रहा है वाईफाई से, इसलिए वाईफाई नहीं आ रहा है। थोड़ा सा खुला रखेंगे तो आवाज बाहर जाएगा सर, फिर बाहर का आवाज अंदर भी आएगा टीवी और ये सब का। ठीक है अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है लेकिन बीच बीच में ड्रैग होने लगता है। ठीक है मेरा पॉइंट समझ रहा है, मतलब मैं जो बात कर रही हूँ समझ रहा है क्या रोहित जी? बाकी सबको, मतलब किसी को भी ड्रैग हो रहा है? सबको ड्रैग हो रहा है? नहीं नहीं मेरे यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर। आ रहे समझ रहे हैं सर। क्या करूँ फिर मैं, कंटिन्यू करूँ कि क्या करूँ? कंटिन्यू करो। तो फिर वो आशीष जी को मैंने बोला कि मतलब मैंने फिर वो पैतरा सर ने बोला, जैसे ही उसने मुझे दिया कि 10 घंटा जॉब चल रहा है, क्या चल रहा है, कंटाला आता है,
इतना घर पे तो काम खत्म ही नहीं होता, वो काम करवा के ले रहे ज्यादा। तो ये पॉइंट उसने जैसे ही दिया, मैंने उसको इमीडिएट पकड़ा और मैंने बोला कि आपको मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि 10 घंटा जॉब करना? नहीं अच्छा लग रहा है। और मैंने फिर मैंने बोला अभी तो सिचुएशन और वर्स्ट हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे न्यूज आ रहा है, इसने जॉब को निकाला, ये निकाला, वो जो सब हम प्लान में दिखाते, तो जॉब को निकाला और अभी गारंटी तो किसकी नहीं है, जॉब की रहेगी भी नहीं और क्या होगा, ऐसा मैंने फियर दिखा दिया उसको। और फिर मनीषा मैडम, मतलब मैंने वो आशीष को बोला, मनीषा मैडम रोल प्ले में थी, तो कि क्या लगता है आपको, मतलब आपके जॉब की भी कुछ गारंटी लग रही है आपको कि क्या लग रहा है? तो वो बोला नहीं वैसे भी तो कुछ बोला नहीं जा सकता। फिर मैंने उसको बोला, मतलब अभी मुझे समझा कि वो भी डराया मैंने उसको, और फिर मैंने उसको बोला कि मैंने जब ये मौका देखा था तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा भी कभी हो सकता है, तो इनकम को सिक्योरिटी चाहिए ये मैंने सोचा, और मैं एक अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में है और मैं मेरे हस्बैंड पैशनेटली उसको बिल्ड कर रहे हैं, 8 से 9 महीना हो गए हम उसको डेवलप कर रहे हैं और अभी हमको अच्छा खासा सक्सेस मिलने की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी देखो मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ तो भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं सैलरी नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि जो जॉब पे जा रहा है उसको ही सैलरी मिल रही है, तो मुझे नहीं मिल रही, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि ये मौका मेरे पास है। तो ऐसा तुमको कुछ तुम्हारे इनकम को सिक्योरिटी चाहिए क्या? तो वो बोला हाँ यस चाहिए, तो मेरे पास मौका है। तो फिर मैंने वो कंफर्म करना, 2-4 बार पूछना, वो सब प्रोसेस किया। मेरा बोलने का मतलब क्या है, उसको क्या चाहिए वो ढूंढना, तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और फिर मनीषा मैडम रोल प्ले में थी, लेकिन वो इमीडिएट बोली कि आशीष आएगा, मतलब मैं अगर आशीष होती तो मैं डेफिनेटली इमीडिएट आती थी कि मैं बोलती थी। और फिर मैंने उसको बोला, वो बोला, फिर मैंने बोला पूछा उनको कि आपका जॉब का स्केड्यूल क्या होता है, तो बोला 7-7:30 बजे तक होता है। तो मैंने उनको पूछा कि फिर ऐसा अगर मौका आ रहा है जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है तो आप एक दिन एडजस्ट नहीं कर सकते जॉब का, 2 घंटा जल्दी काम को वाइंड अप करना वगैरह, क्योंकि गारंटी तो जो आप कर रहे हो उसमें भी नहीं है, इतना टेंशन है, इतना सब है। और अगर ऐसा कुछ मौका मैं आपको दे रही हूँ जहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए सॉल्व होने वाला है, तो मैं तो आपके जगह होती तो, वो बोला ठीक है, मतलब मनीषा मैडम ही बोली ठीक है मैं करूंगी एडजस्ट। तो मैंने बोला फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, बुधवार है और शनिवार है, और हम लोग आई थिंक बुधवार को ही रोल प्ले कर रहे थे, तो मैंने बोला बुधवार है और शनिवार है तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे? तो वो बोला सैटरडे। तो मैंने बोला बढ़िया है, तो आज से आपको 3-4 दिन है आपके ऑफिस में, वो एडजस्टमेंट्स कर लो आप टाइम का, 2 घंटा जल्दी आप निकलोगे काम से आपके ऐसे। तो वो बोला ठीक है मैं करूंगा। फिर वो हम जो हमेशा पूछते हैं रिमाइंड करने की जरूरत है कि आपको याद रहेगा क्या, फिर यूट्यूब लिंक में उसी दिन अपना व्हाट्सअप जो आईडी सॉरी जूम का जो आईडी और ये है मैं आपको उसी दिन दूंगी, बात करेंगे हम, तब तक आप जूम ऐप डाउनलोड करके रखना, वो सब जो है वो मैंने बोल दिया। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरा बोलने का कि उसको क्या चाहिए, दो तरह से उसको क्या चाहिए वो ढूंढना है, और अगर उसको क्या चाहिए वो समझ नहीं रहा है तो हम उसको गाइड भी कर सकते हैं। अभी ये इनविटेशन का पार्ट हो गया, जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसको क्या चाहिए, जैसे हम बोलते हैं देखो क्वेश्चंस आर आंसर, देखो हमने देखा बुक, उसमें भी वही है कि हॉट बटन को ढूंढो उसको दबाओ। और शुरुआत का जो चैप्टर है ना श्रवण श्रवण कौशल्य, डीपली लिसन करो, तो आप उसको डीपली सुनोगे ना तो आपको वो पॉइंट देगा कि उसको क्या चाहिए और वो क्या ढूंढ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो पॉइंट आपको देगा। अभी मनीषा मैडम को मैंने जब बात किया, मैंने पूछा, जब भी वो बोला कि 10 घंटा मैं कर रहा हूं मुझे बोर हो रहा है, और फिर उनका कॉन्वर्सेशन कैसे हुआ कि 10 घंटा वो कर रहा है और वो बोर हो चुका है वगैरह वगैरह, उसने सब रामायण म्हणतो ना रडकथा सगळी गायली त्यांच्या समोर आणि विचारलं की तू काय करते, तू जॉबवर जाते का? तो फिर मनीषा मॅडम बोली नाही मैं तो नहीं जा रही हूं। तो फिर सैलरी का क्या है तुम्हारा, तो सैलरी तो नहीं मिलेगा। तो फिर उसने पूछा फिर तू क्या कर रही है आजकल? फिर मनीषा मॅडम ने बोला की 8 महिना पहले मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस देखा और चालू किया, दैट वॉज द लाइन। तो मैंने फिर मनीषा मॅडम को बोला की प्रोएक्टिवली, मैंने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, उसने पूछा और आपने बोला, और मैंने वो प्रोएक्टिवली बोला कि अब और मैंने उनको पूछा कि आपने जब ये बिजनेस चालू किया था आपको बोले हाँ मुझे लगा था चाहिए, तो आप डर, अभी प्रवत सर ने हमको कितनी बार वो सिखाया कि डर ऐसी चीज है जो इजीली बेची जा सकती है, भीती ही सर्वात सोपी गोष्ट है जगह मध्ये विकण्यासाठी, मतलब माला होती है उतने तो जब बार प्रभात सर ने अभी तक बोला है, तो जब ये बोलना ये बहुत मैटर करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को कोई भी लूज बॉल मिला तो 6 और 4 पक्का है, वो बॉलर को भी मालूम है जब वो बॉल फेंकता है कि अभी तो मेरा
गया, मतलब मेरा तो वाट मेरे हाथ से बॉल निकल गया, मतलब अभी रन्स तो पक्का है। वैसे सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर सिक्वेंशियली पढ़ोगे और क्वेश्चन तो, और क्वेश्चन और आंसर में प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी बताया है हमको कि कौन किस चीज के लिए वो आएगा, कौन सी चीज के लिए वो आएगा, वो बहुत इम्पॉर्टंट है। तो उधर इन्होंने लिखा है कि लोकाना इथे लोकाना का हवेते शोधाणी तत्वाचा वापर कर, क्योंकि वो अपने लिए आएगा ना। अभी उसको जॉब का इश्यू है, उसको इनसिक्योरिटी है, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा इनकम सोर्स चाहिए, वो ढूंढ रहा है, तो वो आएगा, और आएगा तो बराबर देखेगा क्योंकि उसको जो चाहिए वही हम दे रहे हैं, तो उसका अटेंशन ज्यादा होगा, उसका लिसनिंग मोड में वह रहेगा, और हम जो बोल रहे हैं उसके दिमाग में जाएगा। और हमारा प्लान ऐसा है, कोई अगर ओपन माइंड से प्रिपेयर्ड होके बराबर देख रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इमीडिएट जगह पे चालू नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वही उसको मिल रहा है, तो अच्छा ही लगेगा ना, मतलब सब लेने के लिए तैयार होंगे। तो इन्विटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे हम उसको जो चाहिए वो बोल के ला सकते हैं। जैसे हम इन्विटेशन में भी बोलते हैं कि अगर उसका नया घर लिया है, ईएमआई पेंडिंग है, तो आप उसके साथ रिलेट करो, उसको कर्जा है तो उसके साथ रिलेट करो, या जो उसका जो प्रॉब्लम है, जैसे तेजस्विनी मैडम को मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप अभी लिस्ट निकालोगे और लोगों को अप्रोच करोगे, तो आपके जो खास लोगों के पेन एरिया आपको मालूम है कि वो क्या ढूंढ रहे, और ये खास लोगों के साथ शुरू करना है, और वो आसान क्यों होता है, क्योंकि खास लोग क्या ढूंढ रहे वो हमको मालूम होता है। अभी तेजस्विनी मैडम तो तेजस्विनी मैडम क्या ढूंढ रही है ये मुझे मालूम नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उनका पूरा प्रोफाइल बैकग्राउंड देख के या उनसे थोड़ा बात करके मुझे सोचना पड़ेगा कि वो क्या ढूंढ रही है। जैसे अभी जमाने के कोई, जैसे ओ जैसा जॉब की लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, या अभी आपके पास पॉकेट मनी के लिए मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो आपका पॉकेट मनी आएगा, तो जैसे तो उसको क्या चाहिए वो क्या ढूंढ रहा है। जैसे अभी मृणाल मैडम ने जब प्रभात सर को बिजनेस दिखाया था, मृणाल मैडम को एग्जैक्टली मालूम था कि सर क्या ढूंढ रहे, तो सर क्या ढूंढ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट किया कि 6 महीने में सैलरी रिप्लेस हो सकती है। तो प्रभात सर ने सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं दिया, प्रभात सर ने काम किया और वो हासिल किया और वो टिके रहे और सक्सेसफुल हुए और हमारे जैसे लोगों को सक्सेसफुल बना रहे। तो हम किसी को ला रहे हैं तो उसको क्या चाहिए, जो इन्होंने लिखा है कि उनको क्या चाहिए वो ढूंढो और उसके साथ रिलेट करो। और उन्होंने नीचे का एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है, लोकाना विचारून बघून ऐकून लोकाना काय हवे ते शोधता येते, त्याचबरोबर यासाठी तुम्ही केलेले श्रमही जोडावे लागता। अभी तेजस्विनी मॅडम जब पहिली बार आई तो प्रभात सरने उनके साथ जो बात किया तो ऐसा इन्फ्लुएंस किया उनको कि वो सेकंड मीटिंग में भी आई। अभी वो तन्मय सर ने उनको ऑर्डर तो नहीं किया था कि अभी सेकंड मीटिंग में आओ, अभी थर्ड मीटिंग में जो बात किया वो इन्फ्लुएंस हो गई, किसे आ रही है, करेक्ट है तेजस्विनी मैडम? यस यस मैम। किसी ने थोड़ा रखा है कि आ जाओ नहीं तो शूट? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, अपनी मन जैसा था स्वतःहून वाटत शिकायला पाहिजे। हां किंवा इकडे येऊन आवड शिकायला मिळतं ज्या वाटत काय वाटत। अभी वो सर ने पहले ही मीटिंग में जो 5-10 मिनट आपसे बात किया उससे वो क्रिएट किया। और सर हमेशा बोलते ये आप ना, मैंने मेरे दिल पे जो ऐसा लिख के जो कुछ सेंटेंस रखे उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो है, यू विल नेवर गेट सेकंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इम्प्रेशन। आपको दूसरा मौका जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा, तो जो पहला मौका मिलता है उसको ही हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेस्ट के साथ आप इनविटेशन में बात कर रहे हो और ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिस हो गए, बाद में बात करोगे क्योंकि शुरुआत के दिनों में बात 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 करना पड़ता है जब तक आप सीखते हो, तो इसीलिए फटाफट सीखना है। दीपक बजाज सर ने भी बोला कि फास्ट से तो अपना फोन उठाएगा, अननोन है तो अपने कंट्रोल में नहीं है कि वो वापस फोन उठा के बात करेगा। या जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान में भी उसके साथ उसको क्या चाहिए वही दिखाते रहना, वही तो प्लान है ना। प्लान माने प्लान दिखाना नहीं है, उसको जो चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है, यही तो प्लान दिखाना है। और इसीलिए प्रभात सर के हर प्लान को क्लोजिंग आता है। क्यों आता है? क्योंकि सर को जो चाहिए वो सर नहीं दिखाते, सर उसको जो देखना है सुनना है और जो वो ढूंढ रहा है वो दिखाते। इसीलिए सर का प्लान भी अच्छा होता है, सर के प्लान को गेस्ट पैसा भी इमीडिएट देते हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो उनको दिखता है।
उनको माय लाइफ करेक्ट है तेजस्विनी मैडम, आप अभी नए हो करके आपका एग्जांपल मैं ले रही हूँ बार बार, आपको भी वही दिखा शायद इसीलिए आपने शुरुआत की। तेजस्विनी मैडम मुझे सुन रही है क्या? हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा बीच में क्या हो गया अचानक। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मैडम। यस मैडम, आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो तेजस्विनी मैडम आपने सुना मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, आपका आवाज कट हो गया था बीच में। ओके हाँ तो मैं बोला अभी सुनाई दे। हाँ हाँ मैंने कहा कि क्लोजिंग करके प्लान में क्लोजिंग आता है तो क्यों आता है? क्योंकि अगर प्लान नहीं दिखा उसको जो चाहिए वो दिखाते हैं, उसको यहाँ से क्या मिल सकता है, उसको क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहा है वही दिखाते हैं। और मैंने ऐसा बोला कि शायद आपको भी वही दिखा रहेगा इसीलिए आपने चालू किया है बिजनेस। करेक्ट 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 है ना। हाँ तो ये चैप्टर वो वही बोलता है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको नहीं गेस्ट को क्या चाहिए वो आपको निकालना है, उससे बात करते हैं जब, और वही उसको दिखाना है, और वो आप करेंगे तो आपका क्लोजिंग डन। एक मिनट हाँ, हाँ अभी सुनाई दे रहा है। हेलो यस मैडम, यस हेलो, ये तो आता आवाज, आवाज सर नहीं है पर सर मालूम हेलो बाकी सब लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम अभी आ रहा है आवाज। यस मैडम आ रहा है, आ रहा है पर सर कोई आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यस मैम, यस यस समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हेलो, वो जो सेवन चैप्टर है। हाँ हाँ यस, कौन बोल रहा है? नहीं मैडम ब्रेक हो गया, आवाज तो आए ना प्लीज। हेलो तन्मय, हाँ मैडम आ रहे हैं आपकी आवाज। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे सारे? हेलो सब लोग ने बोला मैडम, सब लोग ने बोला आवाज आ रहा है करके। हाँ हाँ सर का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? कंटिन्यू रखो मैडम। हाँ तो ये प्रभावित करने से कौशल है, सिक्स चैप्टर है, और सेवेंथ है कौशल है समझाने से, मतलब इसमें देखा जाए हाउ टू स्किलफुली मेकअप पीपल्स माइंड।
सॉरी हाउ टू स्किलफुली कन्विंस पीपल, 7 चैप्टर है हाउ टू स्किलफुली कन्विंस पीपल, मतलब लोगों को कैसे समझाना है, कौशल्य समझावना से। अभी ये तो एकदम सिंपल चैप्टर है, जैसे हम हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग बाय फ्रैंक बेडगर, वो बुक में भी आप पढ़ेंगे तो टेस्टिमोनियल, ब्रिंग योर विटनेसेस जो बोलते हैं टेस्टिमोनियल, मतलब आप किसी को भी कुछ भी बात जो भी करते हैं तो आप डायरेक्ट बात करते हैं, तब वो शायद भरोसा नहीं रखता उसके ऊपर, मतलब डायरेक्ट आप बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है तो वो भरोसा नहीं रखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को बात करें और 95 जब भी देते हैं तो आप बोलते हैं 95 बहुत अच्छा है, सब 95 के डेमोन्स्ट्रेशन आपने बहुत अच्छे से किया, 95 की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन जब आप उसके दिमाग में सवाल रहता है कि इससे फर्क पड़ता है क्या, इससे रिजल्ट आता है क्या, और जब आप एग्जांपल देते हैं कि जैसे मेरे पिताजी ले रहे, मैं बोलती हूँ मैं खुद ले रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ ले रहे हैं, मेरे माता पिता ले रहे हैं, मेरी बहन की सास ले रही है 5 साल से उसको, जब ये मैं सारे विटनेसेस बोलती हूँ तब उसको भरोसा आता है, मतलब आप दूसरे किसी की जबान से बात करेंगे तो उसको वो इम्पोर्टेंस समझता है, तो उसको फायदा समझता है, मतलब जो उधर नहीं है जो प्रेजेंट नहीं है उसको आप लाके उसका एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो कन्विंस हो जाता है, मतलब उसको समझता है। तो डायरेक्ट बात करने से अच्छा है, डायरेक्ट बात करके भरोसा नहीं आता, तो इससे अच्छा है थर्ड पार्टी अप्रोच जो बोलते हैं ना, म्हणून शेवटी इथे दिलेले बोल्ड में लिखा है इधर, म्हणून बोलताना तिसऱ्या व्यक्तीच्या तोंडून बोला, मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच जिसको हम बोलते हैं कि तीसरे व्यक्ति के मुंह से आप बोलो कि ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है, और उसमें स्टोरी हो सकती है, रियलिटी हो सकती है, जो कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे रिजल्ट्स है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स है, तो उसके बारे में भी बात कर रहे हो तो वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और ब्रिंग योर विटनेसेस माने टेस्टिमनी देना, तो ही उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अभी इससे बिजनेस को कैसे रिलेट करते हैं, हम बोलते हैं अभी बिजनेस हम कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो क्लोजिंग करना है, तो क्लोजिंग में हम क्या बोलते हैं, स्टोरीज। अभी प्रभात सर, आप अभी तेजस्विनी मैडम मार्क करो, प्रभात सर जब भी बात करते एक तो स्टोरी मिनिमम बात करते ही है, टॉपिक कोई भी रहने दो, कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, कोई भी ट्रेनिंग रहने दो, मीटिंग रहने दो, प्लान में भी वो स्टोरी से चालू करते हैं और एंड भी स्टोरी से ही करते हैं, रेक रॉक की स्टोरी से चालू करते हैं और फिर बकालकर मैडम की स्टोरी से एंड करते हैं। आजकल अभी प्लान अलग है, लेकिन एक तो स्टोरी रहती है सर की बातों में, क्योंकि स्टोरी से या टेस्टिमनी से जितना भरोसा आता है या जितना सीखते हैं, उतना हम डायरेक्ट बात करके लोगों के दिमाग में उतना फिट नहीं बैठता जितना हम स्टोरी से या तीसरे आदमी के जबान से बोलते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी का आप क्लोजिंग जब भी कर रहे हो, वो कुछ भी रीजन जब भी देता है, पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, ये नहीं होगा, लॉकडाउन के बाद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये जो स्टोरीज होती है, जैसे डायरी में हम बोलते हैं डायरी दिखाओ, डायरी है क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, तो डायरी में वो सारी स्टोरीज है, या किसी का एक्सपीरियंस। अभी हम प्रभात सर हमारे लिए इतने बड़े बड़े लीडर्स को ला रहे हैं, हर मीटिंग में हर प्लान में एक लीडर आता है, तो अभी तक जितने भी लीडर्स आके गए उनकी हर एक की स्टोरी है। तो आप नए लोग हो तो YouTube हमारा जो चैनल है प्रभात सर का चैनल है, उस पे जाके वो सारे प्लान सर ने रखे हमारे लिए, जाके प्लान देखो, जितनी बार देखोगे सीखोगे, और लास्ट में जो स्टोरी है वो स्टोरी सीखो। अभी कल चंचल रस्तोगी का को अच्छा लगा, सब इम्प्रेस्ड हो गए, क्यों हो गए, वो स्टोरी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल किया, वो हमको सुनाया। आज दीपक बजाज सर का भी अच्छा लगा, क्यों, स्टोरी है। अभी आप गणेश सोपारकर सर को सैटरडे को मिलोगे, उनकी फिनोमिनल स्टोरी है, फिनोमिनल मतलब फिनोमिनल स्टोरी है, वो स्टोरी से सीखोगे, क्योंकि स्टोरी से समझाना बहुत आसान होता है, अकेले मतलब खुद जाके डायरेक्ट बात करने से अच्छा किसी के स्टोरी से, किसी के टेस्टिमोनी से, तीसरे के जबान से बोलने से सामने वाले को बहुत अच्छा समझता है। तो ये स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है, और प्रभात सर उसमें बहुत अच्छे माहिर है। जब भी हम स्टोरी सीखते हैं, सर हमेशा बोलते हैं कि स्टोरी लिखो, आपको वैसी की वैसी बोलने को आनी चाहिए विथ डेटा, जो डेट है। अभी सर की भी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है, सर ने जब भी चालू किया था शुरुआत के 7 महीने में उनको कोई नहीं जुड़ा था, जब भी उन्होंने अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया था तब 7 महीने उन्होंने क्या किया, वो कैसे टिके रहे, क्या एक स्टोरी है ना, माने हर एक चीज स्टोरी है। अभी स्टोरी हमको सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सुनाने को भी वैसे के तरीके से, वैसे ही तरीके से आनी चाहिए, वो एक स्किल है, तो वो हमको डेवलप करना है। इधर लिखा क्या है, कौशल्य समझावण्याचे, माने ये स्किल है ना कि आप कैसे कन्विंस कर सकते हो, और उसमें ये स्टोरी, इसीलिए हमारे पास स्टोरीज का भंडार होना चाहिए, रोज अलग अलग स्टोरी, सिचुएशन बेस्ड स्टोरी बोलने को आनी चाहिए, सामने वाले की सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन के लिए हमारे पास स्टोरी होनी चाहिए। जैसे हमारे सामने वाले को जो भी इश्यू है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए प्रोडक्ट है कि नहीं,
तो सामने वाले का प्रॉब्लम समझा, हम इमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे सामने वाले का जो भी इशू है हमारे पास स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी मालूम होनी चाहिए और स्टोरी वैसे के वैसे बोलने को आनी चाहिए, मतलब सर जैसा एक्साइटमेंट से, इमोशन से, बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि जो ह्यूमन इंसाइट 1, 2, 3 है उसमें दिखा है कि फक्त बोलून, फक्त ऐकून, बॉडी लैंग्वेज से, स्पर्शाने, वाचून, बोलून, ऐकून, सगळं लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये। वो कैसे उसके अंदर तक जाता है और वो अभी हमको सारे लोगों को देखो सब स्टोरी मालूम है हमको, क्योंकि सर ने इतनी बार, सर की खासियत जो मुझे भी मेरे लानी है कि वो हर बार जब स्टोरी बोलते हैं ना उतनी ही एक्साइटमेंट से बोलते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले 2-3 बार जब हम बोलते हैं हमको खुद को एक्साइटमेंट होती है, अभी वही वही स्टोरी बार बार बोल के हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, लेकिन वो सर से मैं सीख रही हूँ और मेरे अंदर वो मुझे डालना है कि जब भी वो कोई प्रसंग बोलते हैं, मतलब स्टोरी बोलते हैं, वो उतना ही एक्साइटमेंट से वो पूरा पिक्चर हमारे सामने खड़ा करते हैं, जैसे मूवी बोलते हैं ना पूरा पिक्चर हमारे सामने खड़ा करते हैं, वो उनकी खासियत है। तो वैसे भी हमको वैसा ही बनना है, क्योंकि क्लोजिंग उसी से आता है। सर ने जितने जितने क्लोजिंग लिए आज तक या जो भी स्टोरीज सर क्लोजिंग की बोलते हैं, सब जगह सर ने स्टोरीज का यूज किया है। तो स्टोरी कौशल्य समझावना माने कन्विंस करने का जो स्किल है उसके हमको ये मालूम होना चाहिए। तो जब भी सर कोई स्टोरी बोलते हैं आप लिख लेना, मैं लिख देती हूँ, बाद में कभी मेरा डेटा में इधर उधर हो गया तो मैं सर से चेक करती हूँ, सर ये क्या था, ये नाम क्या था, ये जगह क्या थी, डेटा क्या, तो एक बार मैं बस चेक करता से, क्यों स्टोरी वैसी वैसी होनी चाहिए, वही डुप्लीकेट थी, चाइनीज स्टोरी थी नहीं, शुरुआत में एक एंड तक जाने के लिए क्या होगा, वो सर ने ऐसा ऐसा करके दिखाया था, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया शुरुआत में उनको याद रहेगा सर ने एक्शन क्या बोला था, एंड तक क्या होगा। तो वैसा हमको नहीं करना है, स्टोरी वैसे के वैसे ही जानी चाहिए। और अभी लॉकडाउन ने हमारे लिए इतना वरदान है कि सारे लीडर्स जिनका पीपीएसएस पावरफुल पर्सनल सक्सेस स्टोरी हमको सुनने को मिल गई, तो लिखो, नोट्स लेना, नोट्स लेके सीखेंगे उस। आज भी मैं दीपक बजाज सर को मैंने कितनी बार सुना है, लेकिन आज भी मैंने उनके नोट्स लिखे हैं, पूरे 2-3 पेज के नोट्स लिखे, और आज भी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे वो आज का चैप्टर था, उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया वो, और आज एक लाइन उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग। माने एक प्रिंसिपल याद रखो कि जो ढूंढ रहे उनको ढूंढना, और आज का ये चैप्टर भी वही है ना, लोगों को प्रभावित करना है तो उनको क्या चाहिए वो ढूंढो और वो दिखाओ, और उनको क्या चाहिए वो उसको तो मालूम है, तो ऐसे लोगों को ढूंढो कि जो कुछ ढूंढ रहे हैं, माने जिनको कुछ जिंदगी में चाहिए। जैसे सर को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए था, दीपक बजाज सर को सिक्योरिटी चाहिए था, पैसा चाहिए था, उन्होंने बोला कि मैं जब भी शुरुआत में जब भी मैं शेयरिंग करता था मैंने क्यों चालू किया, मैं 5 रीजन बोलता था, पैसा 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 और ज्यादा पैसा, मतलब मनी 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 मोर मनी मोर मनी, तो पैसे के लिए मैंने चालू किया। वैसे ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन यहाँ से इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन क्लोजिंग के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत मैटर करते हैं। जैसे ये इन्विटेशन में मैंने बोला, फिर क्लोजिंग में बोला कन्विंसिंग, लेकिन आदमी बिजनेस में आने के बाद उसको टिकाने के लिए भी स्टोरीज बहुत काम आती है, और ये कन्विंस होता है, कन्विंसिंग के लिए इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि अभी जुड़ गया, अभी तेजस्वी मैडम तो आ गई बिजनेस में, लेकिन उनको हर मीटिंग, सर हमेशा बोलते हैं कि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरे मीटिंग से तीसरे मीटिंग, ऐसा बहुत लंबा नहीं। अगर शुरुआत में बोलेंगे तुमको 3 साल हर मीटिंग हर ट्रेनिंग आना पड़ेगा तो शुरुआत में ही डर जाएगा, लेकिन अभी ये मीटिंग हो गया चलो बहुत अच्छा लगा ना, अभी अगला मीटिंग, मीटिंग टू मीटिंग आदमी को जिंदा रखना होता है। वो सर हमेशा बोलते कि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग तक लाओ, वो आएगा, फिर वो तीसरी मीटिंग में आएगा, चौथे मीटिंग में आएगा, और फिर एक दिन आएगा कि उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आज तेजस्विनी मैडम को खुद को अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा है तो वो खुद आती है, तो बोलना नहीं पड़ा उनको कि लॉग इन करो 9 बजे आ जाओ हमारे साथ, ऐसा करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको फिर वो आदत हो गई, उनको उसका मजा आने लगा, उनको समझ में आ गया, तो फिर वो टिकते हैं। तो टिकाने के लिए भी स्टोरीज बहुत काम करती है। जब भी हम डाउनफॉल में होते तभी वो स्टोरीज हमको, मतलब ये बिजनेस हो सकता है ये भरोसा देने के लिए भी स्टोरीज बहुत काम होती है, ये कन्विंसिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत लकी है कि हमारे पास ऐसे लीडर है जो हमको सिखा रहे, तो हम ये पढ़ रहे हैं, सीखना है और इम्प्लीमेंट, जो आज दीपक सर ने भी बोला कि जो सीख रहे हैं उसको एक्शन में परिवर्तित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सारे लोग ये बुक पढ़ेंगे, ये सारे स्किल्स आई एम श्योर हम लोग डेवलप करेंगे और सर के जैसा बहुत अच्छा स्पीकर और बहुत अच्छा लीडर बनेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। यस, जबरदस्त।
है ना, एकदम एक घंटे में बराबर। तो ये तो रिव्यू हो गया आज के दोनों चैप्टर का। आपको क्या लगता है ये दोनों चैप्टर के बारे में? अगर आप कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए अपने जो जूम मीटिंग पे सारे लोग हैं उनमें से। सुनना है मुझे, मतलब मुझे लगा वो बोला आपसे सुनना है। हाँ वही ना, सबको सुन सब सुनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा, फीडबैक मिलेगा। रोहित सर एक सेकंड, हाँ सर मैं चार्जिंग ला लावतो। सर त्या दिवशी ते म्हणजे याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे ना, थर्ड पर्सन ला आणायचं, ब्रिंग युअर विटनेस, ब्रिंग युअर विटनेसेस, त्याच्यामध्ये एक ते चांगलं एक्झाम्पल आहे ते तारक मेहता का उलटा चष्मा मध्ये जे स्टोरीज आणि म्हणजे ते चहा विकायला आणलेले एक म्हणजे सांगायचं होतं मला। यस यस, म्हणजे आपण नेहमी उदाहरण द्यायची नेहमी। अजून काही जे लोक होते वही तो हम करते है ना, कि हमेशा ये बिजनेस लाने के बाद किसी को या लाने के लिए भी हम डायरी दिखाते, तो थर्ड पार्टी का क्या हुआ है इसके साथ? क्योंकि आप जो भी बाहर जाते हो आपको बहुत लोग मिलते हैं ये बिजनेस चलता नहीं बोलने वाले। बाहर कोई नहीं है कि जो बोलेगा ये बिजनेस कैसे चलता है, उनका जो एक्सपीरियंस है वही वो बोलेंगे। लेकिन हमको क्रिएट करना पड़ता है कि भाई ये इतने लोगों के लिए चला है तो आपके लिए क्यों नहीं चलेगा। जैसे मैं जब गया था पहली बार बिजनेस देखने के लिए, तो मुझे तो मेरे दोस्त ने टेप रिकॉर्डर देने के लिए ना बोला था। माने इतनी निगेटिविटी है बाहर, और मैंने देखा था कभी कितने साल पहले, तो भी वो निगेटिविटी थी और वो निगेटिविटी आज भी है। आज के बाद 6 महीने के बाद थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि बहुत लोग ये बिजनेस में आने वाले। लेकिन क्या होता है ना, आना जितना आसान है उतना ही टिकना और बड़ा होना आसान होना चाहिए। और वो कैसे होता है? जब नॉलेज लेंगे आप। और अभी ये बुक से क्या हो रहा है, अपना नॉलेज मिल रहा है। लेकिन नॉलेज के बाद और क्या होना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट। और वो स्किल बुक नहीं दे सकता आपको, आपको नॉलेज दे सकता है, स्किल तो आपको ही करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। मैंने आज जैसे दीपक बजाज जी के ट्रेनिंग में आपने सुना, हमने 11 12 13 14 15 16 पेज पे 45 अलग अलग इन्विटेशन लिख के रखी है, आपको जाके उसमें से देखना है आपको क्या करना है। लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा, वो नॉलेज देगा आपको 45 स्क्रिप्ट का, लेकिन बाद में किसको करना पड़ेगा? खुद को ही फोन उठा के इन्विटेशन देना पड़ेगा ना। यस सर। अभी मैंने जब पहली बार इन्विटेशन दिया था, मुझे वो छोटा सा फोन था सैमसंग का C8 वगैरह, उस जमाने में ये नहीं थे क्या स्मार्टफोन्स वगैरह, छोटा सा फोन था, लेकिन वो भी इतना हेवी हो गया था कि मैं इन्विटेशन देने के लिए इतना डर रहा था गणेश को। और मेरा खास दोस्त, कब से दोस्त? 3rd standard से दोस्त, हम इतने गहरे दोस्त है। और तो भी अब बिजनेस के लिए इनविटेशन देना बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, मैं डर रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, कैसे वो आएगा, क्या वो मैंने बहुत सारे ना निगेटिव ख्याल बहुत आते हैं दिमाग में। और इसीलिए जब ये ऐसे निगेटिव ख्याल आपके सामने से मिलते हैं तो आपको थर्ड पार्टी पे जाना वो बहुत आसान रहता है। अभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चाय बेच रहे थे वो लोग, अभी सिंपल चीज है, चाय बेच रहे थे। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में दुकान में जाते चाय लेते हैं, अभी दुकान वाला भी कभी कभी आपको बोलता है कि ये चाय ले लो ये नहीं ले लो, क्योंकि उसके पास वो होता नहीं है, सर ये चाय लेके जाओ आपको बहुत अच्छा है पी के देखो, और हम लेके आते हैं। लेकिन वही चाय अगर कोई आदमी लेके आए और बोले हमारे पास चाय है, तो आपके 10 सवाल चालू होते। सेम बिजनेस में होता है, अगर ऐश्वर्य राय आती है बोल के लक्स ले लो, तो लोग जाके लक्स ले लेते हैं। लेकिन जब आप जाते हो आपके भाई के पास और आप बोलते हो ऑन एंड ऑन का स्ट्रॉबेरी ले लो, तो भाई पूछता है क्यों, काय का, कितना कीमत, सही में अच्छा है क्या, केमिकल है क्या, इतना क्यों दे दूं, मैं तो ये वापरता हूं, मैंने उससे वो साबुन से शादी भी की है, कल ही हो गई मेरी शादी, अभी डिवोर्स के साथ वो साबुन को, ऐसे सब पूछने लगता है। ऐसे क्यों होता है? जब नया कोई प्रोडक्ट आता है, एक बाबा आता है टीवी पे और बाबा बोलता है ये ले लो, आप बिंदास ले लेते हो। मैंने परसों ही सुना बाबा का गाय का दूध, अगर गाय का दूध बनाना है ना घर पे बनाना है तो भी वो भाव में नहीं बन सकता वो भाव में जो बेच रहे, इतना दूध लगता है घी बनाने के लिए, गाय का घी, गाय के दूध का घी जो भाव में बेचता है, जो भाव में बेचता है वो भाव से आपके घर में खुद के गाय है और वो गाय के दूध से अगर आपने दूध बनाना चालू किया तो भी नहीं परवड़ेगा आपको, लेकिन वो देता है। इसका मतलब क्या, वो गाय का दूध है ही नहीं, लेकिन वो बोलता है टीवी पे आके गाय का दूध है आप ले लेते हो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन ले लेते हो। लेकिन आप जब भी जाते हो समझो एक चीज लेके,
तो लोग 10 सवाल करते हैं। और क्या होता है ना, उसको भी 10 सवाल किए करेंगे लोग, लेकिन वो अकेला नहीं, वो टीवी पे आता है। हम लोग टीवी पे नहीं है ना, लोगों को क्या हो गया, टीवी की आदत हो गई। लेकिन आपको एक चीज बोलूं, जब अमिताभ बच्चन कर्जे में डूबा था और वो स्मॉल पर्दे पे आ गया, माने छोटे पर्दे पे, माने टीवी पे आ गया वो कौन बनेगा करोड़पति से, तो लोगों ने उसकी भी खिल्ली उड़ाई थी, उसको भी ट्रोल किया था। ट्रोल तभी नहीं था जमाने में, क्योंकि स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन बहुत ट्रोल किया था कि ये शहंशाह बताने वाला खुद को, ये बड़ा 30 मार खा और अभी देखो टीवी पे आ गया। लेकिन आज हर बड़े एक्टर की तमन्ना होती है टीवी पे जाके काम करने की। उसने उसको बदल के रखा, उसने उसको बदल के रखा। और आज दीपक बजाज जी ने भी बोला, हर कोई जो बिजनेस खड़ा करना चाहता है, एम्पायर खड़ा करना चाहता है, उसको पहले रिडिक्यूल से गुजरना पड़ता है, उसको लोग भरोसा नहीं करते। जब तक आप अपना रिजल्ट नहीं दिखाते तब तक लोग आपकी बातें नहीं सुनते। अभी आप बोलेंगे, अरे यार ये तो लफड़ा हो गया, रिजल्ट नहीं दिखाते तब तक बात नहीं सुनते। और बात सुनाने के लिए रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट दिखाने के लिए ये लोग चाहिए मुझे तो मैं रिजल्ट कैसे दिखाऊं ये नहीं सुन रहे। तो उसी की वजह से सक्सेस पाना डिफिकल्ट है, बल्कि हमको उससे गुजरना पड़ता है। और इसीलिए आप शनिवार को जो गणेश सोपारकर जी का आगमन होने वाला है अपनी जूम मीटिंग में, अपने प्लान में, उनको देखो मैंने आज क्या डाला है, उनका जो थंबनेल बनाया मैंने, वहां पे देखो कि कितनी कठिनाई आई जिंदगी में, कितनी कठिनाइयां आई, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उनसे गुजरने के बाद क्या मिला वो मायने रखता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण है हमारे चीफ गेस्ट की स्टोरी, सुनिए उनकी जुबानी, ITC गणेश सोपारकर सर। ऐसे मैंने थंबनेल में भी डाला है, माने मैं किसी और को बुला रहा हूं, ये बात मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं किसी और को बुला रहा हूं, वो समझाएंगे लोग ज्यादा समझेंगे। थर्ड पार्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण है, अभी मैं किससे ले लूं, किसके साथ बात करूं, जरा एक पकड़ लेते, एक सेकंड, कौन कौन है जरा स्क्रीन पे दिखाओ मुझे, कौन है पार्टिसिपेंट्स, किधर है पार्टिसिपेंट्स, किधर है भाई, पार्टिसिपेंट्स इधर है, एक मिनट ना, पार्टिसिपेंट मैं ना लैपटॉप पे रखता हूँ ना, हाँ इधर है पार्टिसिपेंट्स, किसको पूछूं मैं अभी, अनीता घायवात मैडम, अनीता घायवात मैडम बात करूं मैं आपसे, नहीं नहीं नितिन मोरे सर को पूछते हैं, नितिन मोरे सर हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो जो चरण रोड में हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा, क्या नाम है उनका हॉस्पिटल का आपके, नितिन सर, सैफी, हाँ नितिन सर, लेकिन ये आवाज नितिन सर का नहीं था, आवाज मंजुला मैडम का था, यस सर, हेलो नितिन सर, हाँ सैफी, नितिन सर है ना अभी मेरे साथ, आप YouTube पे चालू है क्या उधर, नहीं नहीं सर, तो डबल डबल आवाज आ रहा है मुझे ऐसा क्यों पता, हाँ सर, हाँ आ रहा है आवाज, हाँ अभी नितिन सर को पूछ रहा हूँ, नितिन सर एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, माने वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, लेकिन माने हॉस्पिटल के एक्टिव स्टाफ में नहीं है, पीछे बैक ऑफिस में है, बराबर ना नितिन सर, एक्चुअली हमारा फ्रंट ऑफिस भी आता है सर, पेशेंट कोऑर्डिनेशन भी देते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में मेन काम माने डॉक्टर नर्सेस वार्ड बॉयज उसमें नहीं है, आप ऑफिस में है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है ऐसा बोल रहा हूँ मैं, हाँ सर बराबर है ना, हाँ माने उनका डॉक्टर से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन नितिन सर से अभी थोड़ी सी बात करेंगे, और बाकी लोग भी कोई बात करना चाहता है तो करो। अभी नितिन सर आपके यहाँ पे एक पेशेंट आया है जिसकी अगले दिन समझो बाईपास होने वाली है, ओके, और वो लेटा हुआ है, अगले दिन है तो उसकी टेस्ट भी सारी हो गई है, उसका रिजल्ट आया है, और कल सवेरे उसकी बाईपास है। अभी कल सवेरे जिसकी भी बाईपास है उसकी पहले रात को परिस्थिति थोड़ी सी नाजुकी होती है, माने वो एकदम टेंशन में रहता है कि क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, बराबर कि नहीं, थोड़ा सा टेंस रहता है। और उतने में ही एक आदमी आ गया अंदर वार्ड में, और उसने पूछा, उसका नाम का आदमी का नाम है समझो XYZ, तो उसने पूछा के अरे XYZ का है कौन सा बेड, तो गया बेड के पास गया, उसको किसी ने बोला, और वो बेड पे सोया हुआ था पेशेंट को, उसको बोला अरे आप XYZ है, बोलते हाँ मैं XYZ हूँ, ग्रेट ग्रेट, कल आपका ऑपरेशन मैं करने वाला हूँ, मेरा नाम डॉक्टर फलाना फलाना, मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, अभी अभी अमेरिका में था मैं, और मैं जब भी ऑपरेशन करता हूँ 100% सक्सेस रेट है मेरा,
चिंता मत करना, मैं आपको ऑपरेशन करने वाला हूँ, आप एकदम बराबर होने वाले, एकदम ठीक होने वाले, ओके। तो इससे क्या होगा पेशेंट को? सर इससे पेशेंट को थोड़ा ये आराम आएगा, अच्छा लगेगा कि कोई तो ऐसा मोरल सपोर्ट जैसा रहता है, और वो उसको ऐसा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, करेक्ट है? थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अभी अभी वो डॉक्टर चला जा रहा है वार्ड के बाहर, और तभी वो एक उधर का ना वार्ड बॉय आता है अंदर, जिसको ऑपरेशन के बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं, वो एकदम थर्ड लेवल माने फोर्थ क्लास कर्मचारी है ना, वार्ड बॉय माने, वार्ड बॉय माने एकदम जूनियर है ना, माने वो सब इधर उधर खाली कचरा बिचरा ऐसा, माने वो उसका काम ऐसा बड़ा काम नहीं है। और वो आदमी को देखता है और आपके पास आता है, वो अभी आपसे बात करके गया, एक्सवाइजर बोलता है हाँ मेरे से बात करके गया, क्या क्यों? वो बोलता है नहीं, वो बोल रहे थे कि वो डॉक्टर है और मेरा ऑपरेशन कर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो ऑपरेशन करने वाले आपका? तो एक्सवाइजर बोलता है हाँ वही बोले, वो डॉक्टर फलाना फलाना, वो ऑपरेशन करने वाले मेरे। अरे क्या लकी है यार आप, ये डॉक्टर से ऑपरेशन करने को इसकी डेट ही नहीं मिलती, इतना जबरदस्त डॉक्टर है ये, जिसको भी हाथ लगाते पेशेंट को तो पेशेंट एकदम टकाटक हो जाता है, इसका माने सक्सेस रेट 100% है, आप तो एकदम लकी है यार, आपको ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली, मुझे पता ही नहीं था, एकदम सो जाओ आराम से, मस्त होने वाला ऑपरेशन, ये डॉक्टर है ना बस अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी मुझे बोलना, पेशेंट को रिलीफ तो पहले भी मिला था, लेकिन अभी ये वार्ड बॉय बोलने के बाद पेशेंट को ज्यादा रिलीफ मिलेगा, कम रिलीफ मिलेगा, कि वो ध्यान ही नहीं देगा वार्ड बॉय के ऊपर? तो ज्यादा ठीक हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हाँ और कोई बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं सर रोहित। हाँ रोहित, रोहित जी क्या बोले आप? मैं तो बोल रहा हूँ वो ठीक ही हो जाएगा जगह पे। हाँ वो ठीक ही हो जाएगा। अभी ये आप क्या बोले नितिन जी? मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग भी बढ़ जाएगी और इम्यूनिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। मैं अच्छा बन जाऊंगा ये राम गोविंद कदम कौन है? हाँ राम कदम है आपने, गोविंद बीच में आ गया तो मेरे को समझा ही नहीं है, राम गोविंद कदम कौन है? राम भी बोल रहे हैं, राम जी बोलिए। हाँ नाही सर, खूप विश्वासाने ते म्हणजे ऑपरेशन थिएटर मध्ये वगैरे जातील, आणि डॉक्टर ते डॉक्टरांनी कॉन्फिडन्स दिल्यावर म्हणजे पेशंट एकदम नॉर्मल होतो। की मी दोन गोष्टी बोललो, पहिली बार डॉक्टर ने आके बात की और दुसरी बार वार्ड बॉय ने आके बात की। हाँ खूप विश्वास वाढतो डॉक्टरांबद्दलचा। क्यों? कारण म्हणजे डॉक्टरांनी तर सांगितलं की मी ऑपरेशन करणार आहे, तुमचं व्यवस्थित होणार आहे, पण त्याच वॉर्ड बॉय बोलल्यामुळे जास्त त्याच हे मिळालं सर, म्हणजे बोलतात ना थर्ड पार्टी। समजा 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 समजा। हाँ अभि संदीप घोडकेजी भी कुछ बात कर रहे, टेक्निकली थर्ड थर्ड पार्टी येऊन बोलले ना, थर्ड पार्टी येऊन बोलले म्हणून। हाँ ठीक आहे, और सीमा मॅडम बात कर रही है। सीमा मॅडम। हाँ सर, वो वार्ड बॉय बोलने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, मैं अभी से ही ठीक लगने लगा हूँ मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। तेजस्विनी मैडम आपको क्या लगता है? तेजस्विनी मैडम हेलो। हाँ आपको क्या लगता है? सर जेव्हा आपण स्वतःहून सांगतो त्यापेक्षा आपल्याला दुसरा कोणतरी येऊन सांगतो त्यावरती आपण जास्त म्हणजे विश्वास ठेवतो। दीपक जी आप भी बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर हेलो। हाँ हाँ, जब भी उनसे डॉक्टर ने बात की तो उनको विश्वास तो बैठा होगा, लेकिन उसके बाद जब भी वार्ड बॉय ने उनसे बात की कि ये डॉक्टर तो बहुत अच्छे है, किसी किसी को जिसको मिलता है अपॉइंटमेंट इसका, तो मतलब वो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो वो विश्वास पे और ज्यादा विश्वास की मोहर लग गई, मतलब वो बिंदास हो गया कि अभी कुछ टेंशन नहीं, बिंदास जाएगा ऑपरेशन के लिए। yes, और उसको मालूम है कि मैं ठीक हूँ। करेक्ट। संतोष जी, संतोष जामले भी कुछ बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रवि जी बोले क्या? रवि जी हाँ। यस यस मी बोला। सर जब कभी भी हम जब थर्ड पार्टी अपने बारे में किसी के बारे में बोलते हैं तो हम उसको थर्ड पार्टी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैंने खुद के बारे में बोलना और मेरे बारे में कोई और बोलना तो हम उस आदमी पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। करेक्ट है। इस केस में भी यही है कि डॉक्टर ने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया, खुद ने बोला कि टेंशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर के बारे में जब उस आदमी ने बोला तो ये पेशेंट को डॉक्टर पे और विश्वास हो गया। करेक्ट। संतोष जी तो मनीषा बोलते हैं। हाँ मनीषा बोला।
तर डॉक्टरने तर म्हणजे स्वतःबद्दल सांगितलंच, पण जेव्हा वॉर्ड बॉयने सांग हिंदी मध्ये होते जेव्हा वॉर्ड बॉयने बताया ना तभी उसके ऊपर उसने सर्टिफाय कर दिया उसको, मीन्स उसके वजह से अभी डॉक्टर अमेरिका वाला है हार्ट सर्जन और उसको सर्टिफाई कौन कर रहा है वर्ल्ड बॉय सिक्का मोरता बोलता है ना करेक्ट करेक्ट नहीं आप एकदम बराबर बोले मुझे बिल्कुल आपके बोलने में कुछ भी गलती नहीं है लेकिन ये चीज है माने एक डॉक्टर को सर्टिफाई कौन कर रहा है वर्ल्ड बॉय यस सर यस हाँ अभी और कोई और सर क्वालिफिकेशन वगैरह मैटर नहीं करता है कौन से कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं ना हम और मतलब वो क्या है वो नहीं बट उसने जो कॉन्फिडेंस से बताया ना ये डॉक्टर आपको मतलब हाथ लगाए तो भी आप ठीक हो जाएंगे ऐसा मतलब उनका इंट्रोडक्शन जो दिया ना उसने उससे भी उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा यस 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 तो ये कौन प्रतिमा मैडम बोली और कोई वॉर्ड बॉयचा विश्वास बघूनच त्याला जास्त विश्वास आला हाँ क्वालिफिकेशन है ना कुछ है ना कुछ है लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है और वो जो बात करता है क्यों मालूम है थर्ड पार्टी अभी देखो शादी भी तय होती है ना लड़का लड़की की तो किसी थर्ड पार्टी के पास जाके लोग पेरेंट लोग उनकी चौकशी करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि लड़की कैसी है लड़का कैसा है शोले का डायलॉग याद है ना अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र की शादी करवाने के लिए गया है वो मौसी के पास Yes, yes. कि नहीं थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी है ना थर्ड पार्टी तो ये सारे उदाहरण में क्या बोलते हैं कि डॉक्टर जब आके बात करता है कि मैं अच्छा हूं मैं अच्छा करूंगा वो झूठ नहीं बोल रहे लेकिन वो खुद बोल रहा है ना तो उसके ऊपर भरोसा नहीं आता ज्यादा आएगा भरोसा लेकिन बहुत नहीं लेकिन जब वो वर्ड बॉय बोलता है ना डॉक्टर के बारे में तब अपने को लगता है इसका क्या फायदा है बात करने में इतना अच्छा तो जरूर ये सही बोल रहा है ये ह्यूमन टेंडेंसी ये ह्यूमन टेंडेंसी है और इसीलिए ये बिजनेस भी जब देखते हैं उनको थर्ड पार्टी ओपिनियन चाहिए इसीलिए वो लोग जाके दोस्तों से इधर उधर बातें करना चालू करते हैं सर मैं एक बोलू मुझे सॉरी सर आप करते आपण सगळे बोलतोय सडनली मला एक गोष्ट आठवली तुम्ही जेव्हा प्लान दाखवता तेव्हा तुम्ही बोलता ना कि मेरे प्रोडक्ट है तो मैं अच्छा ही बोलूंगा मेरे प्रोडक्ट है तो मैं बोलूंगा अच्छे ही है लेकिन आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेशन किंवा 95 ब्रुन्सविक लॅब कारण की त्यांना वाटतं की हे जेव्हा सांगतात चांगलं आहे कारण की ह्यांना विकायचं ह्यांचा फायदा आहे आप हिंदी में बात करो ना यूट्यूब पे अपने लोक है यूपी वाले वगैरह सब हॅलो हॅलो हा सर काय हा आप हिंदी में बात करो ना हा सॉरी सॉरी आप जब भी प्लान दिखाते जब भी प्लान में आप प्रोडक्ट्स के बारे में जब भी बोलते हैं एलिमेंट्स वेलनेस के तो आप बोलते हैं कि ये आपने स्पेसिफिक सेंटेंस डाला है उसमें और वो पर्पजली डाला है प्लान में वो ऐसे ही नहीं बोला है यही सोच से बोला है कि आप बोलते हैं हमेशा कि मेरे प्रोडक्ट है तो मैं अच्छे ही बोलूंगा लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आयुष मंत्रालय की स्थापना की आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथ ये आयुष मंत्रालय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग में दो प्रकार के सर्टिफिकेट देता है आयुष स्टैंडर्ड और आयुष प्रीमियम और हमारे सारे प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री का प्रीमियम सर्टिफिकेशन है मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच है लेकिन आप जो सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्ट है मैं अच्छे आपको लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट है मैं हाँ, तो अच्छे आपको लगेगा ऐसा कि इसके प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही बोलेगा क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी वक्त उसके मन में यही चल रहा होता है कि ये तो बोलेगा और बहुत बार लोग बोलते हैं ना जब भी बोलने को जाते हैं तभी उनके मन में होता है बोलते तुमचा है तो तुम्ही चांगलाच म्हणणार ना कारण की तुम्हाला विकून त्याच्यात फायदा आहे तर तुम्ही चांगलाच बोलणार एक्झॅक्टली जैसा कि वर्ल्ड अगर आपने जाके सैमसंग किसी को प्रमोट किया तो लोग आप पे भरोसा रखते हैं क्यों क्योंकि वो सैमसंग लेंगे तो आपका फायदा नहीं है उसमें उनको पता है लेकिन आप जब भी जाके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है आपका फायदा है इसीलिए बोल रहे हैं हाँ अमृता मैडम कुछ बोल रहे थे आप सर वही मैं बोल रही थी मतलब मुझे वो याद आया एग्जाम्पल हाँ आप जब और ये टेंडेंसी है ये इसमें कुछ गलत नहीं है ये ऐसे ही होगा और दुनिया जब तक है तब तक ऐसे ही होते रहेगा क्योंकि दुनिया जिसने इंसान को बनाया वही बनाते रहेगा इंसान को वही भगवान बनाएगा ना तो जो प्रॉब्लम है पहले से इंसान में वही प्रॉब्लम रहेगा बार बार हमेशा और इसीलिए थर्ड पार्टी अप्रोच लेते हैं और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो लोग आपको बोलेंगे ये नहीं करो
बकालकर जी को भी बोले थे मत करो, लेकिन उसमें से कोई आगे खड़ा नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी अभी का आपको मिलेंगे लोग अगर कि मत करो बोलने वाले, ये चलता नहीं है, होता नहीं है, ऐसे बोलेंगे अगर कोई, तो मैं बोलूंगा उनको फिर मैं क्या करूं, ऐसे पूछो चलो आपके हिसाब से मैं क्या करूं फिर, तो वो चुप बैठ जाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच वर्क्स, लेकिन वो कैसे लेने का वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए और एक स्टोरी बोलता हूं छोटी सी मैं, एक माने बहुत लोगों को मालूम है, किसी को मालूम नहीं होगी, तो कि एक चित्रकार होता है, वो बहुत साल एक गुरु के पास चित्रकला सीखता है, और वो चित्रकला सीखने के बाद गुरु उसको चार साल सिखाने के बाद गुरु बोलता है कि हाँ तू तैयार हो गया अभी, तो बोलता है मुझे अभी टेस्ट करना है मेरी कितनी तैयारी हो गई करके, एक चित्र निकालता है और वो चित्र पे एक मिनट और वो उसको गांव के चौराहे में जाके रखता है और उधर ये लगाता है बोर्ड एक लगाता है कि कैसा है ये चित्र ये मुझे बताना, ये चित्र कैसा है ये मुझे बताना। और जब शाम को जाता है तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि ये चित्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लोग लिख के जाते हैं और वो एकदम मायूस हो जाता है कि मैंने इतने साल सीख के कुछ आया ही नहीं मुझे, लोग तो ऐसा गंदा गंदा फीडबैक दे रहे हैं तो क्या करने का। तो फिर उसका गुरु बोलते, गुरु के पास आता है वापस वो, इसीलिए अपलाइन अपलाइन के पास वापस आने का कभी भी मार्केट में लफड़ा हो गया तो गुरु के पास आता है, वो घर पे नहीं बैठ जाए चित्रकला छोड़ के, लोग चित्रकला भी छोड़ देंगे ऐसा गंदा फीडबैक आया तो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो गुरु के पास आता है, बोलता है ऐसा ऐसा हो गया, गुरु बोलता है रुक तू वापस एक चित्र निकाल, वो चित्र निकालता है, बोलता है अभी मेरे साथ चल। गुरु उसको लेके जाता है और बाजू में जो बोर्ड रहता है वो बोर्ड पे थोड़ा सा बदलाव करता है, गुरु लिखता है कि आपको जो भी चीज अच्छी नहीं लगेगी वो सुधारो, और उधर कलर पेन ब्रश ये सब रख देता है सामान सुधारने का। शाम तक आते हैं जब एक भी कमेंट नहीं, क्योंकि अभी सुधारने की बात आ गई। लोगों को क्या है ना, बोलने के लिए पैसा नहीं लगता तो कुछ भी बोल देते, और जनरली ऐसे टाइम पे थर्ड पार्टी अप्रोच में आप जाएंगे तो लोग हमेशा निगेटिव ही बात करते। आप पूछो किसी को जाके फीडबैक दो, पहले चालू करेंगे लोग निगेटिव, क्या क्या हुआ आज, क्या क्या अच्छा हुआ नहीं आज, क्या क्या बुरा हुआ, लोगों को बोलो दिन कैसा गया, पहली बात करेंगे क्या क्या नहीं हुआ। आप उनको पूछो अपने बारे में बात करो तो पहले बात करेंगे मेरे में क्या क्या कमी है। ये प्रोग्रामिंग है आदमी का, ये बदलना पड़ेगा, बदलता है ये बिजनेस। लेकिन इसीलिए लोग क्या करते हैं, बहुत लोग डरावनी पिक्चर में जाते हैं, लोग जाके बाहर अपनी फ्रेंड्स की रिलेटिव्स की सलाह लेने को जाते हैं ये बिजनेस के बारे में, और इनको इतनी फटकार मिलती है कभी कभी गलती से, मुझे भी मिली थी। मुझे तो टेप सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर नहीं दिया था मेरे फ्रेंड ने, श्रीनिवास वल्ला ने, अभी भी याद है मुझे। तो मैं कैसा था, उसने नहीं दिया तो मैं बोला अभी तो श्रीनिवास मैं करूंगा ही, अगर कोई बोलता है तुमको तुम नहीं कर सकता। अभी मृणाल मैडम को, मृणाल मैडम जब आई है बिजनेस में तभी उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग का किंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको आता है ऐसा एक बड़ा गुरु, ऐसा एक वाशी में बंदा था नीलेश कोई तो था, हाँ मैं नाम नहीं बोलूंगा जानबूझ के, नीलेश नाम था उसका पहला। तो उनके पास जाके मृणाल मैडम बैठी थी और वो बोले थे नहीं करना बाइनरी एकदम बेकार है, ये बाई मानसा काम है, ये बाई मानसाला चिकल है, ये उड़ो। उसने 2-2.5 घंटा और मृणाल मैडम सलाह मांगने के लिए गई थी तो अभी उठ भी नहीं सकती, 2-2.5 घंटा मृणाल मैडम को दुनिया भर का बोल दिया। और तभी जब मीटिंग खत्म हुई तब मृणाल मैडम ने बोला उसको थैंक यू फॉर फीडबैक, लेकिन आपने जो भी बोला 2-2.5 घंटे में उससे अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि ये जो भावनाएं है सब जगह पे कि ये लेडीज के लिए नहीं है, ये नहीं है, चलता नहीं है, होता नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये मैं दिखा दूंगी कि ये सब है। और आज तक कोई लेडीज नहीं आ रही थी तो मैं दिखा दूंगा कि लेडीज आएगी। और आज देखो मृणाल मैडम ने वो किया तो आज 70% डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड वाइड लेडीज है। मृणाल मैडम भी घर पे बैठ सकती थी ये सब सुन के, माने सुनते तो सब है, रिएक्शन क्या होनी चाहिए वो अपने ऊपर है। मेरी भी वैसी रिएक्शन थी पॉजिटिव, किसी की निगेटिव हो जाती वो डर जाता है। तो वो डर के लिए आपको अपलाइन दिया ये बिजनेस में कि कभी भी कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो गया मार्केट में किधर भी कुछ भी कैसे भी टाइप का,
तो आप इमीडिएटली अपलाइन के पास आ सकते हैं और अपलाइन से सलाह ले सकते हैं, अपलाइन से मदद ले सकते हैं, जैसे वो लड़के ने गुरु से मदद ली और जाके एक बोर्ड बदला, चित्र नहीं बदला, बोर्ड बदला कि अभी सुधार करो। लोगों को सुधारने का नहीं, लोगों को खाना नहीं अच्छा लगा, ये मजा आता है बोलने को, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए पूछो, नहीं बोलेंगे ये नहीं करना है, हाँ नहीं नहीं ये चलता नहीं, होता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे मैंने देखे चार लोग जिनका चला है, तो आप बोलो चलो ये नहीं चलता ना, तो और क्या करूं मैं, उसकी जॉब नहीं है, वो ना आपको जॉब दे सकते हैं, ना आपको एक धंधा खोल के दे सकते हैं, ना आपको पैसे की मदद कर सकते हैं पूरी जिंदगी भर, तो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ झूठी सलाह दे सकते हैं। उनको हम बोलते हैं राय बहादुर सिंह, वो राय देने के लिए एकदम बहादुर है, तो ऐसे राय बहादुर से बचना है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे यूज करना है, पॉजिटिवली यूज करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच भी पॉजिटिवली यूज करना है। एक ने मुझे बोला था सर मैं आपको 50 लोग लाके दिखाऊंगा जिनका ये बिजनेस नहीं हुआ है। मैंने उनको बोला सर आप 50 बोलते हो, मैं 500 लाके दिखाऊंगा, मैं 5000 लोग लाके दिखाऊंगा जिनका नहीं हुआ है। लेकिन बात वही के वही है, ये 5000 बोल रहे नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो हुआ ना, मेरा तो हुआ। और आप किसके साथ काम करने वाले, मेरे साथ करने वाले कि 5000 लोगों के साथ करने वाले। स्कूल में जाते हो फेल्योर होते हैं लोग, लेकिन अपने बच्चे को हम क्या बोलते हैं, अच्छे बच्चों के साथ रहना। आज सिर्फ बॉम्बे में, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद आप जाके देखो बॉम्बे में आजाद मैदान देखो, थाना का मैदान देखो, कोई भी एक मैदान सवेरे सवेरे जाके देखो, हजारों बच्चे क्रिकेट खेल रहे, नेट प्रैक्टिस, गुरु है उनके सारे के सारे लोग। इंडिया की टीम में आएंगे क्या, रणजी तक भी नहीं जाएंगे, रणजी तक भी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके माँ बाप आस लगाए बैठे हैं और ये करेगा, ऐसे उनको भरोसा है। और जिनको भरोसा तगड़ा है, वो जो सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग, वो लोग कर डालते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग ये दुनिया का सुन के थोड़ा दिन खेलते हैं और बाद में ये पढ़ाई कर, क्रिकेट ठीक है अच्छा है, लेकिन नहीं चलाना तो फॉल बैक मैकेनिज्म चाहिए, अपने को जॉब चाहिए। फॉल बैक मैकेनिज्म करके जॉब लेते वो लोग जहां पे एक्चुअली सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जॉब माने क्या, ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, और जो बिजनेसमैन ने रिस्क लेके बिजनेस चालू किया उधर जॉब करते आप, और आप बोलते मेरा जॉब सिक्योर है, कैसे बताओ मुझे, आपका जॉब है किधर, वो कोई भी ले सकता है, कभी भी बोल सकते आपको कल से नहीं चाहिए, तो मेरा जॉब कैसे हो गया, वो धंधा मेरा है, मैं बोल सकता हूं, जॉब नहीं बोल सकता, मेरा जॉब अभी मैं कर रहा हूं वो जॉब, ऐसे बोल सकते। तो ये चीज जो है ना, वहां पे भी थर्ड पार्टी अप्रोच, मुझे मालूम है ऐसे लोग, मुझे घर में हमारे फैमिली में है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला बंदा, आजी वो जो ग्रैंड मदर होती है ना, वो बोली क्रिकेट नहीं पढ़ाई करो, और आज 15,000 रुपए कमा रहा है महीने का, 15,000-20,000 गया उसका पूरा करियर, अच्छा खेल रहा था मस्त, और थोड़ी मेहनत करता, सब कुछ छोड़ छाड़ के करता तो हो जाता था, लेकिन वो पॉइंट तक जाने नहीं देते लोग। और दुनिया इतनी बेकार है, वो गधे और आदमी की भी स्टोरी सुनी होगी, गधे आदमी और आदमी का बेटा, वो लोग गधा बेचने के लिए जा रहे थे बाजार में, घर से निकले तभी गधा चल रहा था, और माँ बेटा और पिताजी भी चल रहे थे गधे के साथ, तो लोगों ने बीच में बोला, लोग बैठे थे उधर झाड़ के नीचे, बोले अरे क्या माँ पिताजी और बेटा यार साला अक्ल नहीं है, गधा है, गधे के ऊपर बैठने का ना और जाने का ना, गधे को भी चला रहे खुद भी चल रहे। यस यस सर यस। तो फिर वो बाप बैठ गया गधे पे और बेटा चल रहा है, तो लोग बोले वापस, अरे क्या बाप है यार, बेटे को चला रहा है खुद बैठ गया, तो बाप उतर गया बेटे को बेटा लिया, तो लोग बोलने लगे बेटा क्या बेटा है यार, बाप को उतर लिया खुद बैठ रहा है, इतना बूढ़ा बाप है उसको भी चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए तो बोले क्या दोनों बाप और बेटा है यार, साला गधे का कुछ देखते ही नहीं, मैंने सोच ही नहीं है गधे को कितना तकलीफ हुआ रहेगा, दोनों बैठ गए। फिर इन दोनों ने मिलके गधे को उठाया, उल्टा लटका दिया, लकड़ी डाल दी चार पहियों में, और जब एक नदी पे पुल था तो उल्टा था गधा, ये उठा के लेके जा रहे थे उसको लोगों का सुन के, और गधा डर गया नीचे नदी देख के, बहुत हाथ पैर माने उसके चारों पैर फटफट फटफट करने लगा, और अल्टीमेटली इनको संभाला नहीं, नदी में गिरा, गिर गया। क्या मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि दुनिया जो बोल रही थी उसको सुन रहे थे। और इसीलिए मराठी में कहावत भी आ गई,
ऐकावे जनाचे पण करावे मनाचे, और ये मनाचे है ना, ये जब समझता नहीं है तो गुरु होना चाहिए, और ये गुरु ये बिजनेस देता है आपको अपलाइन। अपलाइन का क्यों सुनने का, क्योंकि अपलाइन को आपके बिजनेस में वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप जब भी बड़े होते हैं अपलाइन बड़ा होता है, तो अपलाइन कभी गलती से आपको झूठ बोलने की माने गलत बोलने की डेरिंग नहीं करता, गलत बोलने का वो गलती नहीं करता, क्यों, आपकी प्रगति में उसकी प्रगति है। और इसीलिए मैं बिजनेस को मानता हूं, क्योंकि कोई भी और फील्ड में आपके बॉस को अभी जब भी सब जो जॉब कर रहे हैं आप बॉस को गुरु बनाओ और उसको बोलो गुरु मुझे ना अगले साल तुम्हारी सीट चाहिए, मुझे समझाओ सिखाओ बराबर, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे तुम्हारी सीट में बैठना है। दूसरे दिन से दुश्मन बन जाएगा वो गुरु का, वहां पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अपलाइन को जाके पूछो तू टीसी है मुझे टीसी बनना है, अपलाइन बोलेगा अरे यार क्या तुमको ही मैं ढूंढ रहा था, जबरदस्त आजा आजा मैं तुमको टीसी बनाता हूं। क्यों, तू टीसी बन गया, वो एलटीसी हो जाएगा, वो डीटीसी हो जाएगा। ये जो बात है समझनी चाहिए बिजनेस के बारे में, और वैसे भरोसा अपलाइन पे रखना चाहिए। जैसे उस दिन बाबू थॉमस जी बोले 20वें माले से कूदने को बोला प्रवीण चंदन तो मैं कूद जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है नेट बांध के रखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिजनेस ये जो है कन्विंसिंग, ये थर्ड पार्टी अप्रोच वापरो लेकिन बराबर वापरो, थर्ड पार्टी अप्रोच उल्टा सीधा मत वापरो। उनको समझाने के लिए बोल दो कि ये देखो इतने लोगों का हो गया, आपको जो दे रहे हैं वीडियोस दे रहे हैं, जो रोज रोज ट्रेनिंग हो रहे हैं, आपको बैठने को बोल रहे हैं, यहाँ से आपकी एक लाइब्रेरी तैयार हो रही है, आपका एक डेटाबेस तैयार हो रहा है कि कौन सा बंदा कैसे किया, कौन सी कठिनाई आ रही थी तो भी किया, कैसे किया इन्होंने, ये लेडी होके भी किया, ये एक सीखा पड़ा होते भी किया, ये बिल्कुल सीखा पड़ा नहीं था वो भी किया, इसने तो इतना बना लिया कि क्वार्टरली 1 करोड़ कमाता है, ये तो बना लिया। ये अलग 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 टाइप की स्टोरीज है, अलग 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 प्रकार के लीडर्स है। ये सारे लोग क्यों आ रहे सामने आपके, क्योंकि एक ही पर्पस है, अगर हम सारी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर हमको जो मिला वो आपको भी मिला है, हमने जो किया वो आपको बता रहे हैं, तो मुझे बोलना कि हमने जो किया वो आपने भी किया जो आप कर सकते हैं, तो हमने जो पाया वो आप क्यों नहीं पा सकते, मुझे बोलना। इसीलिए चौथा ट्रेनिंग था दिन का दीपक बजाज जी का, जब भी हमारे साथ को 7 बजे लिया थी, दिन का चौथा ट्रेनिंग। इतने टीम्स में जाके अभी दीपक बजाज जी और हमारा वैसा कुछ वास्ता नहीं है, माने मैंने ये बिजनेस बहुत बड़ा किया, दीपक जी को एक पैसा नहीं मिलने वाला है। किसी और ने अगर बिजनेस में कुछ किया नहीं तो उनको कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि वो उनके टीम में नहीं है, तो भी वो आके बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। एक ही चीज है, अरे भाई साहब सुनो, अरे बहन जी सुनो, हमने किया जो आप कर सकते हैं, हम बता रहे हैं हमने क्या किया तो आप भी कर सकते हैं, और हमने जो किया और वो पाया तो आपने जो किया तो आप भी पा सकते हैं। अभी बारी है सिर्फ करने की, नॉलेज तो आ गया, इसीलिए बुक्स पढ़ना नॉलेज आएगा, फिर मार्केट में जाके बराबर बात करना, और जब कभी निगेटिव आएगा आप याद रखना आज का दिन मैंने जो बोला लोग ऐसे ही है। राजेश टैगोर जी का जाके ट्रेनिंग सुनना, परसों मैंने जो लिंक भेजी थी वहां पे वो 4 पत्तों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग कलर के पत्ते, अलग अलग जात के लोग, और वहां पे वो सुनना और देखना कि यस यही है, और फिर टिके रहेंगे। जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिकेगा वही जीतेगा, ये याद रखना, ठीक है। खत्म करते हैं आज का बुक रिव्यू, आज का बुक रिव्यू खत्म करते हैं प्रेयर के साथ, यस वेलकम, थैंक यू सर, प्रेयर के साथ, प्रेयर के साथ खत्म करते हैं, और आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जोड़ना चालू करो ये बुक रिव्यू सेशन में। अपना सेशन है, अपना घर का है, तो थोड़ा सा इधर उधर होती है बातें लेकिन चलता है, और क्या हुआ, हाँ, और एकदम जोरदार मजा करेंगे। एंड कल अपना शुक्रवार है तो कल अपना प्लान नहीं है, लेकिन कल के दिन पे सबका इनकम आना चाहिए, ये बात है, और उसके लिए काम करो अभी, क्योंकि सारा कुछ करते हम तो हमको अल्टीमेटली फ्राइडे को इनकम आना चाहिए, उसके लिए तो उसके लिए काम करो, और कोई मदद चाहिए तो बोलो। और कल शाम को मिलेंगे वापस 7 बजे अपना हमेशा के टाइम का बुक रिव्यू के लिए 7 बजे, क्योंकि कल कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं है तो 7 बजे मिलेंगे। और परसों के दिन गणेश सोपारकर जी आ रहे हैं, उसके लिए एकदम जोरदार तैयारी करो अपने लोगों को बिठाने की, क्योंकि गणेश सोपारकर जी की स्टोरी में एकदम कि आदमी को माने वो हार्ट सर्जन है, वो हार्ट सर्जन है और वो ओपन सर्जरी करते हैं, बाईपास नहीं करते,
माने सीधा ऑपरेशन टेबल पे लेके, सीधा ऑपरेशन टेबल पे लेके खोलते हार्ट को और हार्ट के अंदर घुस के वो डाल देते पूरा अपना माई लाइफ और बंद कर देते ताकि वो हार्ट से बाहर नहीं निकले कभी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड एकदम जोरदार तैयारी करना परसों की, आपने ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए उधर। हाँ, तो जैसे दीपक जी ने बोला मैं तो जान डालूंगा, आप भी जान डालिए ताकि अपनी पूरी टीम जो हम बोलते हैं हमेशा वी आर द लार्जेस्ट हैप्पीएस्ट हेल्दीएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मोस्ट एडमायर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल मोस्ट यूनाइटेड मोस्ट एक्साइटेड सॉलिड बिजनेस टीम ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड ब्रेकिंग सीलिंग अचीवर्स एवरी वीक तथा 31st December 2020 अपना सबका कंटिन्यूअस सीलिंग सेट हो, ठीक है। सर बैक टू पोस्ट, मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप करता हूं और बाद में मीटिंग बंद करता हूं।